इसने ब्लैक से कोई डर माई डेलिकेट टोज फेल्ट फ्राइड इन द हीट ऐसा लगा था मेरे सॉन्ग फ्राई हो गए इतनी जल्दी एंड माई ईयर ड्रम जस्ट वुडंट हैंडल माइक और मेरे कान ऐसे लगा था फट रहे हैं फिर अजीब सी आवाज़ थी बड़ी अजीब सी थी जोर से बज रही थी मेरे कान के पर्दे को फाड़ दिया ईयर ड्रम क्या होते सांस के पर्दे फाइनली आपकी नियरली लाइफ है ऐसा लगा था पूरी जिंदगी गुजर गई तो फाइनली पूरे लाइफ टाइम के बाद माई वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल रुकी मेरी जिंदगी पूरे जन्म खत्म होने के बाद मेरी जिंदगी फिर थोड़ा रुकी थोड़ा एग्जैजरेट किया चुकी थी बड़ा चढ़ा के एंड आई ऑलमोस्ट फेल डाउन फ्रॉम दैट डिजीनेस और मैं पूरा भरोसा कराया आई वॉज जस्ट गैदरिंग माई बिट्स व्हेन अ वॉइस येल अभी मैं अपने गैदरिंग माई बिट्स मतलब मैं अपनी होश में आने की मैं अपनी पूरी कोशिश जान लगा ही रहा था गैदरिंग माई बिट्स मतलब मैं पूरी कोशिश करके खड़ा होना ही चाह रहा था लेकिन मैंने वॉइस येल दिया मतलब चिल्लाई मेरी होता रहा है मुझे ये रोम देयर इज अ फ्री फ्रॉग हियर व्हाट टू डू रोम देखो यहाँ पे एक फ्री फ्रॉग है क्या करना है जस्ट पुशिंग देयर बाय द बुशेस द मैन कॉल्ड रोम आंसर तो आंसर क्या मिला उसको कहा रखो बुशेस में झाड़ियों के पास करो हियर एट द मैकेनिक्स ही विल डाई शी साउंडेड हॉरिफाइड लेकिन उसकी आवाज़ आकर से डरी हुई रही कह रहे यहाँ तो नहीं ये तो मर जाएगा रोम ट्राई टू बी अश्योर हर नो नो ही विल बी फाइन लेकिन रोम उसको दिलासा दे रहा है अश्योर कर रहा है उसको रीअश्योर कर रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा छोड़ दो वाज ही क्रेजी हाउ डू आई सर्वाइव इन दिस स्पॉट हाँ ये फ्रॉग ही है एक्चुअली फ्रॉग ही है तो फ्रॉग सोच रहा है रोम और उसकी लेडी है वो आपस में बात कर रहे हैं और फ्रॉग सुन रहा है उसकी बात करें कह रहा उसको बुशीज में झाड़ी में छोड़ दो वो कह रहा है ये पागल है क्या वाज ही क्रेजी वो आदमी क्रेजी ना कह रहा है छोड़ छोड़ दो उसको कुछ नहीं होगा हाउ वुड आई सर्वाइव इन दिस हॉट कंट्री जंगल इतने बड़े गर्म जंगल में कैसे सर्वाइव करूँ ऐसी हिंदी छोड़ दो गिव मी दैट प्लास्टिक बैग ची लिज इतनी देर में वो और किस किस यूज होता है बेसिकली स्नैक्स के लिए ये शी किस औरत है या कोई भी है क्या बोला उसने गिव मी दैट प्लास्टिक बैग मुझे प्लास्टिक बैग दो तो रोम ने आंसर दिया तुम क्या करोगे उसका तो जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू एस्केप शी कॉट मी जैसे मैं अभी भागने की कोशिश ही कर रहा था उसने मुझे पकड़ लिया विद द बैग शी स्प्रिंकल्ड सम वाटर फ्रॉम हर बॉडी और उस बैग के अंदर पानी भरा जो उसकी बॉडी में था कुछ ग्रीन पत्ते फेंके एंड नॉटेड द बैग टाइट और पूरे उस बैग को प्लास्टिक के बैग को बांध दिया शी बिट अ स्मॉल होल इन द बैग एंड टक्ड इट इनटू हर नैपसैक तो उसने मुझे एक छोटा सा सुराख कर दिया ताकि मैं सांस सूस ले सकूँ तो मुझे झट से उस थैली में जितने मतलब उसने पूरा जंगल ही भर दिया पानी डाल दिया पत्ते डाल दिए सब कुछ डाल दिया जितनी चीज़ें मुझे ज़रूरत थी उस वक्त एक मुझे ये बर्ड चेक कर दिया नैप सैच फाइव 5:35 हो गए टेस्ट बस कितना टाइम नैप सैक मतलब कल वक्त अपना सामान जो मतलब ट्रैकिंग करते हैं ना उतना सामान पूरा इकट्ठा करके चले ना उसको नैप सैक बोलते हैं एग्जैक्ट मैचेस यूजेज नैप सैक समझ में आ गया समझ क्या होगा जैसे ट्रैकिंग करने जो जाते हैं उनका एक बैग होता है जिसमें अपना ज़रूरत का सारा सामान लेकर बैग में पीछे किट्ठू बैग भी होते हाँ कितना टाइम हुआ नहीं क्यों बैठे काम करिएगा वो बैठ के अपना एडवाइस कर इससे पहले वाला चैप्टर इंग्लिश का क्या इंग्लिश का इससे पहले वाला चैप्टर पहले वाला चैप्टर अभी अभी जो भी जानते नहीं दो बजे कल किसका रेस्ट होगा दैट वॉज हाउ आई केम टू दी प्रॉब्लम इस तरीके से मैं किडनैपिंग हुआ मतलब बच्चे को अगर उनको किडनैपिंग होती है ना उसने फ्रॉग नैप फ्रॉग नैप फ्रॉग को किडनैप इसीलिए चैप्टर का नाम है फ्रॉग नैप ऑल्दो शी केप्ट द बैग आउट ऑफ द सन इन द ऑटो रिक्शा इट वाज स्टिल सो हॉट दैट आई स्ट्रगल टू ब्रीथ उसने
उसने मुझे बैग से बाहर रखा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा ऑटो रिक्शा में, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म था कि मुझे सांस नहीं आ रही। अंकल ये रोम डिक्लेयर दैट आई वाज श्योर टू डाई बिफोर दैट टर्न होम। रोम ने तो रास्ते में कह दिया कि जिंदा नहीं बचे जब घर पहुँचने से पहले, एंड शी वाज इक्वली सर्टेन दैट शी वुडंट लेट मी। लेकिन वो बोलो इतनी श्योर थी, वो श्योर था कि ये मर जाएगा, लेकिन वो इतनी श्योर थी कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा। अ लिटिल लेटर दे स्टॉप्ड एट द रेस्टोरेंट। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट में रुके, ब्रेकफास्ट किया, उसने बैग खोला एंड ब्लू इन अ लंग फुल ऑफ कॉफी लेडन बिस। आई गैग एंड स्मेल इट। कॉफी से बनी कॉफी की स्मेल से मुझे कॉफी शॉप ब्रेकफास्ट किया ना, कॉफी शॉप की भोजन सांस नहीं लेकर छोड़ी, तो मुझे लगा मुझे वॉमिटिंग आने लगी है। ठीक है, तो उसने वही सांस कॉफी जो मतलब उन्होंने नाश्ता नुश्ता दिया ना उसके बैग इंश्योर करने के लिए मिलना है कर दिया। टीचर तुम्हारे क्या सोच रही, तुम्हें हैंड राइटिंग के पेजेस देती हूँ देती है कटिंग का लग जाए। कितने दिन की लगानी कल लगी होगी 4 बजे कल हो जाएगा ना मुझे, बस इंग्लिश का खत्म हो जाएगा ना उसके बाद। बस इंग्लिश हिंदी का कल इंग्लिश का खत्म हो, इंग्लिश का यही दोनों है ना, कल इंग्लिश का मैथ में कल दिक्कत हो जाती है। कॉस्ट ऑफ 46 ग्राम ऑफ गोल्ड इक्वल टू इतना रुपीज तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना, कॉपी तो कॉपी स्पेलिंग का देखो, बुक और कॉपी दोनों सामने रख, स्पेलिंग उसे देख। कितने का आया है अगर 22 ग्राम और खरीदता तो उसके टोटल कितने पैसे लगते हैं, तो 1 ग्राम का निकाल फिर 22 ग्राम का निकाल फिर मैं आगे बता। लाइन
लाइन सेगमेंट रे पॉइंट डेफिनेशन जब पहले पढ़े थे निरंतर क्या कितने पहले हल अब मैं आज तक उसमें चाह रही हूँ ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर क्या होती है ओपन फिगर और क्लोज फिगर जो कहीं से ओपनिंग ना हो कहीं से फ्री ना हो वो ओपन फिगर होती है वो क्लोज फिगर होती है जो कहीं से ओपन नहीं होगी वो क्लोज फिगर हर चीज कहीं से ट्रैप होगी हाँ जी सर सिंपल तो अब क्या होती है हाँ जी हेलो हाँ जी अंजू सर बोलो अगर एक कोई भी कर्व क्या होगी तो सिंपल स्ट्रेट लाइन ही होगी ठीक है ठीक है जो कर्व अपने आप को काटती नहीं है ठीक है ठीक है दैट इफ अ कर्व दैट इज नॉट क्रॉस इट्स अगर वो अपने आप को क्रॉस नहीं करती तो सिंपल ये आज मुंबई आ रही थी क्या सिस्टर मुंबई जा रही थी ना परमानेंट मुंबई फैमिली के साथ सारे निकले थे तो फिर खाने पीने चले गए फिर कहीं चले गए मैं आ सकता था पर फिर मैंने कहा आप बोलोगे अच्छा नहीं लगता सारी फैमिली साथ थी हाँ हाँ मंडे को पक्का हो गया मैं थोड़ी देर तक आ रही सॉलिडिफिकेशन इधर आप तुम्हें 20 पेजेस है ना कल तेरे 10 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे समझ आ गई तूने सुन लिया ये पांच तेरे को खोल रही हूँ तेरा वो अपना होगा पता ना इसको याद करा देना दो पेजेस तो कर लिया ना 10 पेजेस तक कर लाएगा दम जाओ मुझे गंदा काम करना है गलत लिखना है वर्ड जॉब एक्सटेंशन वर्ड मतलब पूरे डॉट कह के खत्म होता है एक्सटेंशन का खत्म
हर एक ही ऑब्जेक्ट की चीज़ का और खेल का नाम बताओ। आपकी लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, रबर बॉल, फुटबॉल, मार्बल। आप देखोगे आपकी हर एक चीज दुनिया में जितनी भी है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पिक्चर, घड़ा ले लो, घड़ा पिक्चर बोल लो। Suppose we were looking for objects that are edible, we might include all the items we listed in 1.11 in chapter 1. We might also find that some of these round shapes we just listed out are also in the group. Okay, orange, ये भी round shape के हैं, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि बॉल, फुटबॉल, ये भी round shape के हैं, कुछ खाने वाले हैं, कुछ नहीं खाने वाले। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. मान लो हमने group बनाना है जो plastic से बनते हैं, लंच बॉक्स, खिलौने, पानी के बर्तन, पाइपें, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो पहली चीज़ में हमने किस में ग्रुपिंग की थी, शेप से, ऑब्जेक्ट किस शेप से, दूसरे में हमें किस मटीरियल से, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम ग्रुप कर सकते हैं, लेट इट कलर एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस शुड गेट सम एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड ईच ऑफ अस ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम। स्कूल विल फाइंड इन कलेक्शन चॉक, पेंसिल, डस्टर, हैमर, कोट, कॉफी, मिल्क, बैग, मार्क, कुछ भी। बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम द बॉल ड्रिंक्स। हमें मान लो चीज़ें इकट्ठी करनी है जितनी पॉसिबल हो सके, कुछ अपने किचन से, कुछ अपने घर से, कुछ अपने रोड से, कुछ क्लासरूम से इकट्ठी करनी है। तो आप देखोगे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, डस्टर, नेल क्लीड हो गया, एक सोप हो गया, मैच स्टिक, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ये सब आप लेके जा सकते हो। लेकिन ये वो चीज़ें भी हैं जो आप अपने क्लासरूम में नहीं लेके जा सकते, जैसे पेड़, ट्रैक्टर, रोल्स। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन, जितने भी आपने चीज़ें इकट्ठी की इनको सेपरेट करना है, पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, आधी ग्रुप जो पेपर से बनी हो या वुड से बनी हो, तो दूसरे में जो उनसे नहीं बनी। सिमिलरली we could separate things that I use for preparing food. The objects and plate, इसकी बनी है स्टील की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की, पेन प्लास्टिक और मेटल हो सकती है, ब्लैक बोर्ड वुड का बना है, आई नो स्टील भी लगे देन मैं फिर वुड है, वुड से क्या क्या बना है, चेयर, टेबल, टांगा, उससे बनिए पेपर से बुक्स, नोटबुक में पेपर टॉल कर शॉर्टिंग करें बुक्स वाले, ठीक है। बस यही चीज़ करो, कल मैं आपको क्या बताऊँगी। तो कुछ नो कल वही करें घर पे ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी उससे, ठीक है। चैप्टर भी अच्छे से इन बिटवीन हो जाएगा प्रिपेयर। जैसे ये साइड पे नहीं जो बने होते बुक के साइड्स पे जो चीज़ें बनी होती वो भी पढ़ लीजिए। अब एक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, एक मैं खुद पढ़ूँ तो मुझे डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, फिर इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो सकती हो, वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग, वॉट आर इट्स इफेक्ट्स, वॉट इज एसिड रेन, ठीक है, ये सब मैं पूछ सकती हूँ। टेस्ट इस चैप्टर रीड करो। अगर कुछ चीज़ें जो हैं किसी एक मटीरियल से बनी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एक से ज़्यादा मटीरियल से भी बनी होती हैं, ठीक है। तो आपके कभी सोचते हैं कि जो आपके टम्बलर है, कोई बर्तन है, ये कपड़े का क्यों नहीं बना होता? हाँ जी, क्योंकि टम्बलर का काम क्या है? हाँ जी बेटा, हाँ चार बजे, ओके बेटा। हाँ तो आप बर्तन का भी अपना कोई कपड़े का बना सकते हो। बर्तन का काम क्या है? पानी को पकड़ते रखना या किसी चीज़ को पकड़ते रखना, जैसे बाल्टी है, काम क्या है? पानी को फोल्ड करते हो, वही कपड़े का बना, कॉटन के कपड़े का पानी भर सकता है, डालोगे मिक्स में निकलता जाएगा, है ना। तो ये तो थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी,
तो इसीलिए मटेरियल को देख के हम चीज़ें बनाते हैं। तो हम टम्बलर हम प्लास्टिक का बना सकते हैं, मेटल का भी बना सकते हैं, जो पानी को पकड़ कर उसको होल्ड करते हैं। वही बर्तन पेपर के मटेरियल भी बना सकते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट में खाना नहीं बना सकते, अभी जल जाएगी ना। क्या हुआ, चल कुछ पढ़ने को ना, ये कर राइटिंग साफ से लेते हैं जो वापस से कमाऊंगी। हाँ जी ओके आ रही है, इसी दिन तक कुछ मटीरियल मिलेगा। तो हम कैसे चीज़ों को मटेरियल को बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए, उनको उसी मटेरियल से हम चीज़ों को बनाएंगे। अब एक सी प्रॉपर्टी अपीयरेंस कैसी, हर एक मटेरियल एक दूसरे से अलग होगा। वुड जो है लकड़ी अलग दिखेगी, आयरन अलग दिखेगा, आयरन अलग होगा, कॉपर और एल्युमिनियम अलग होगा। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, शेप है, दिखने की अलग अलग होगी, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी होगी। आयरन कॉपर एल्युमिनियम की कुछ सिमिलैरिटी है जो उसको वुड से अलग करती है। वो क्या कि ये सारे कंडक्टर हैं। हाँ तीसरा पेज कर, चल तुझे कल पर आप जाओ आप पाँच पेजेस करके आ जाना, इसके बाद पाँच पेजेस इसको गिन के नहीं, पाँच पेजेस घर से लिखेगा, मतलब टोटल सात पेजेस होने का ये करेगा। Five pages to show me what's up.